नमस्कार, स्वागत है आपका फंकी फैक्ट्स में। मधुमेह से पीड़ित लोगों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक काफ़ी लोकप्रिय शब्द है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के द्वारा मधुमेह में स्वस्थ आहार चुनने में मदद मिलती है, जिससे डायबिटीज से ग्रसित लोग क्या खा रहे हैं और पचने के बाद रक्त में शुगर का स्तर कितना होगा एवं रक्त में शुगर स्तर को कैसे प्रभावित करता है, इस पर मायने रखता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स रक्त शर्करा स्तर पर कार्बोहाइड्रेट कितना है उसकी माप है। प्रत्येक भोजन का अपना एक अंक होता है। जिस भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम होगा, वो किसी व्यक्ति के रक्त शर्करा का स्तर धीरे धीरे बढ़ाएगा, चाहे वो व्यक्ति को मधुमेह हो या ना हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक विशिष्ट आहार नहीं है, बल्कि एक माप है, जिसका उपयोग मधुमेह से पीड़ित लोग स्वस्थ आहार चुनने और ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करने के लिए करते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंतर्गत तीन श्रेणी आती है। नंबर वन, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार का कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान धीरे धीरे टूटते हैं और रक्त संचार में धीरे धीरे शुगर आता है। नंबर टू, मध्यम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार का कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान मध्यम गति से टूटते हैं और रक्त संचार में शुगर मध्यम गति से आता है। नंबर थ्री, उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार का कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान जल्दी टूटते हैं और रक्त में शुगर तेजी से बढ़ता है, और यही ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव का कारण बनते हैं। मधुमेह में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार का चयन करना काफ़ी लाभकारी होता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कुल मात्रा को कम करता है, वजन कम करने में भी मदद करता है कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार, एवं शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, HbA1c रक्त की जांच में सुधार लाता है, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है, इंसुलिन प्रतिरोध को रोकने में मदद कर सकता है, एवं यदि आप कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार का प्रतिदिन सेवन करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य में बेहतर बनाता है, रक्त शुगर के उतार चढ़ाव की चिंता भी दूर करता है। अतः डायबिटीज से पीड़ित लोगों को कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। एवं जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, YouTube के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए फैक्ट्स के साथ फंकी फैक्ट्स में।